बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज इस खूबसूरत सुबह के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। इस वक्त सुबह, इनफैक्ट सुबह तो नहीं है, 11:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। और क्यों जा रही हूँ इसका आपको आगे चल के पता चलेगा, तो आपने पूरा व्लॉग देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है दोस्तों आज का। तो इस वक्त जी हम आ गए हैं नाश्ता करने। ये बहुत ही मशहूर दुकान है, मलीर कैंट की चेक पोस्ट 6 के काफ़ी करीब है और इसका नाम है जी हाफिज़। और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रही है। इसके स्नैक्स वगैरह हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी हलवा पूरी ट्राई करने आए हैं। सोचा आप लोगों को भी इसका फीडबैक दे दूं। हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, तो आलू की तरकारी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बस छोले की तरकारी बची हुई थी तो वही उन्होंने दे दी थी। और साथ ही पूरियां थी, बहुत ही मज़ेदार पूरियां थी दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी तशनगी रह गई क्योंकि आलू की तरकारी मोस्ट फेवरेट होती है नाश्ते में, तो बस वो आज हमें नहीं मिल सकी। लेकिन इनके छोले काफ़ी मज़ेदार थे और पूरी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बड़ी बड़ी पूरियां थी और ऑयल बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा था। इतना खूबसूरत मौसम, इतनी खूबसूरत जगह और साथ में हलवा पूरी का नाश्ता, भाई वाह क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। थोड़ी थोड़े वक्फे से बिल्कुल हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और आजकल तो कराची का मौसम है ही बहुत खूबसूरत। और हलवा पूरी के नाश्ते ने तो मज़ा दुबाला कर दिया था दोस्तों। अम्मी के लिए मैंने पार्सल करवा ली थी पूरियां। इसके बाद जी बराबर में ही चाय का होटल है और हम वहां पर आके बैठ गए थे चाय पीने, बहुत ही मज़ेदार चाय थी। ये हाफिज़ की जो दुकान है उसके बिल्कुल बराबर में ही है, तो हम यहाँ पर बैठ गए थे। यहाँ भी पराठे बन रहे थे और छोले की तरकारी मिल रही थी, तो मैंने वो भी सोचा इनकी ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन भाई हाफिज़ की हलवा पूरी की तो बात ही अलग थी और उनके छोले भी बड़े शानदार थे। तो बस जी चाय पी के हम मम्मी के घर रवाना हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं घटाएँ आई हुई हैं। हालाँकि 1:45 बज रहा है दिन का, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है। हार्डली यहाँ से 5 से 10 मिनट की ड्राइव है और हम अम्मी के घर पहुँच जाएंगे। तो जी इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ अम्मी के घर। अम्मी के घर असल में मैं आई थी जी 14 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ करनी थी, इसलिए मैं आज आई थी। तो यहाँ पर जी मेरे भाइयों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने ज़िद कर दी कि हमें तो टॉयज़ चाहिए, तो बस मैं इनको घर के करीबी शॉप पर ले गई थी और ये अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आ गए थे। तो बहुत ही हैप्पी हैप्पी लग रहे थे और अब खेलने में मसरूफ़ थे। इनको खिलौने दिलाकर मैं अम्मी के साथ रवाना हो गई थी जी शॉपिंग करने। और शॉपिंग हमें करनी थी जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हुए थे लोगों ने, तो हम वहीं आ गए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया और क्या क्या चीज़ें स्टॉल्स पर अवेलेबल थी। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी दोस्तों, मज़ा आ गया था देख के। हर तरह के दोस्तों बैजेस थे, ब्रेसलेट्स थे, चूड़ियाँ थी, क्लिप्स थे, हेयर बैंड्स थे और कैचर थी, इसके अलावा टी शर्ट्स थी, बच्चों के कपड़े थे, कैप्स थे, इसके अलावा मुख्तलिफ झंडियाँ थी, छोटी छोटी बड़े बड़े झंडे थे, पर्सेस वगैरह थे बच्चियों के छोटी छोटी। सब चीज़ें ऑब्वियसली ग्रीन कलर की थी और ग्रीन और वाइट का इस्तेमाल किया गया था हर चीज़ में, जो हमारे फ्लैग का कलर है, हमारे पाकिस्तान का कलर है और हमारे मुल्क का कलर है। तो दोस्तों एक अलग ही जज्बा होता है इस तरह की शॉपिंग का, बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों शॉपिंग करने का। अपनी पसंद की चीज़ें मैं ढूंढ रही थी, बैजेस ढूंढ रही थी अपनी पसंद के, बच्चों बड़ों हर किसी के लिए चीज़ें मौजूद थी, सब अपनी अपनी पसंद से अपनी अपनी मर्जी से चीज़ें ले लेके जा रहे थे और एक रौनक लगी हुई थी स्टॉल्स पर, और लगनी भी चाहिए क्योंकि ये ओकेजन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो ये देखिए जी बैजेस वगैरह कितने अच्छे अच्छे हैं। तो जी सबसे पहले तो हमने यहाँ 3 से 4 स्टॉल्स थे उन सब का विज़िट किया, उसके बाद जो जो चीज़ें हमें समझ में आती जा रही थी हम लेते जा रहे थे। यहाँ पर जी मुझे ब्रेसलेट बहुत अच्छे लग रहे थे थोड़ी बड़ी बच्चियों के लिए, ये मैंने लिए हैं अपनी भांजी और भतीजी के लिए। और लड़कों के लिए ये जो हाथ में पट्टा सा बनाया हुआ है इन्होंने, वो मैंने ले लिए थे। ये सब चीज़ें मैं 14 अगस्त को इन सबको गिफ्ट करूँगी। इसके बाद जी अम्मी ख़रीद रही थी टी शर्ट्स भाई के बच्चों के लिए, तो इस वक्त हम सेलेक्ट कर रहे थे कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है, कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है, तो बस इस वक्त डिसाइड हो रहा था
कि कौन सी शर्ट्स लेनी है, सबके साइजेस हम चेक कर रहे थे। यहीं से ही हमने तीनों लड़कों के लिए टी शर्ट्स ले ली थी क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी टी शर्ट्स की, और तीनों स्टॉल्स में सबसे ज़्यादा वैरायटी इन्हीं के ही पास थी। तो इनसे जी हमने टी शर्ट्स ले ली थी, और इन्हीं के ही पास लड़कियों के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। तो ड्रेसेस तो पसंद नहीं आए अम्मी को, तो उन्होंने फ़्रॉक्स वगैरह देख ली थी यहाँ से, तो उन्हें फ़्रॉक पसंद आ रही थी, तो हमने छोटे भाई की बेटी के लिए फ़्रॉक ले ली थी। बस फ्रॉक लेने के बाद फिर हम यहाँ बैजेस लेने आ गए थे, ये बैज मुझे पसंद आ रहे थे। फिर हमने फ्लैग्स वगैरह लिए, इसके बाद गुब्बारे लिए हमने, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी दोस्तों। और हमने क्या तैयारी की, हम जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इसके लिए दोस्तों आपको मेरे व्लॉग्स के साथ जुड़े रहना है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसके बाद जी मैं आ गई थी गुल अहमद आइडियाज़ के आउटलेट पर, और इसके बराबर में ही ओक्स का भी आउटलेट है, क्योंकि भाई मुझे भी तो अपनी तैयारी करनी थी। और हरे और सफ़ेद रंग का ड्रेस मैं अपने लिए ढूंढ रही थी, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही ये शर्ट थी जिसमें मेरा साइज़ नहीं था। इसके बाद ये वाले ग्रीन कलर्स थे दोस्तों, फ्लैग के कलर में ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या लूँ अपने लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी मिले मैं बस लेकर ही जाऊँगी। फाइनली मुझे ये एक शर्ट पसंद आ गई थी, ये डबल शेड ग्रीन कलर की शर्ट थी और इसमें वाइट एम्ब्रॉयडरी थी। ये मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ, और इसके साथ मैं वेयर करूँगी वाइट शलवार जो मैंने ओक से ले ली थी। तो जी सब सामान लेके हम घर आ गए थे, और घर आके थोड़ी ही देर में हमारे अंकल आ गए थे जो मेरी भाभी के अब्बू भी हैं। उनके लिए जी हमने बनाई थी फ्रूट चाट, और इसके अलावा बर्गर्स वगैरह भी थे। तो बस चाय सर्व करने के साथ ही फिर हम बैठे बातें कर रहे थे उनसे दोस्तों। काफ़ी देर से हम शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, तो घर आके अब कुछ थकन सी महसूस हो रही थी। अब मैं सुकून से फिर अपनी चाय लेके बैठ गई थी, और बातें वगैरह चल रही थी अंकल से, तो काफ़ी देर बातचीत करते रहे। तो इतने में मगरिब की अजान हो गई, तो जी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लग गई थी। और मगरिब की नमाज़ के बाद अम्मी जो हैं वो भाभी को ये टी शर्ट्स वगैरह दिखा रही थी कि उन्होंने जो ली थी, तो भाभी को भी बड़ी पसंद आ रही थी। और ये फ्रॉक जी मेरे छोटे भाई की बेटी का है। फिर मेरी बहन भी आ गई थी, तो वो मेरा ड्रेस देख रही थी कि मैं 14 अगस्त के लिए क्या ड्रेस लेकर आई हूँ। तो ये है जी मेरा ड्रेस जो मैं 14 अगस्त को वेयर करूँगी। और ये जी मेरे छोटे भाई की बेटी इस वक्त अपनी गुड़िया से खेल रही हैं, जो वो आज दोपहर को ज़िद करके लेकर आई हैं। इसके बाद जी खाना लग गया था, तो हम खाना खाने बैठ गए थे। बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी दोस्तों, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं खाना खाने में मसरूफ हो गई थी। चलते चलते दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया था। बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये देखें जी ब्रेसलेट्स और सब चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूँ। और आज की अहम बात यह है दोस्तों, अपने वतन से प्यार कीजिए, अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए, अपनी आज़ादी से प्यार कीजिए, और हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उस सब से प्यार कीजिए, उन सब की कदर कीजिए। हर वो काम कीजिए जिससे आपके मुल्क को फ़ायदा हो, और कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपके मुल्क की बदनामी हो। अपने वतन की तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। दोस्तों ये हमारा वतन है, यह हम सब का वतन है। आखिर में इन अशार से अपने ब्लॉग का इख्तिताम करती हूँ कि वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है, हम सब की है ये शान। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।